नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस सामने आप जो देख रहे हैं, अम्मा हगिंग गॉड को बोला जाता है, वो सामने अपने आज के दर्शन दिए हैं जो उन्होंने, और सारे अपने अनुयायी भक्तों को उन्होंने गले लगा के मैं सारे प्रोडक्ट देख रहा हूँ। ये प्रोडक्ट क्या है सारे? है ये पहली नज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ये सेवा भाव से जो लोग काम कर रहे हैं, अचला जी मुंबई से आई हैं और स्टूडेंट्स हैं, जूस बनाकर सेवा करते हैं और इसकी सारी इनकम ये अम्मा को देते हैं। ये मैं आपको अम्मा हॉस्पिटल का बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ और हम मेन पंडाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं। और अम्मा ने आज बोला कि आज का जो सत्संग होगा, आज का जो अनुयायी से मिलने का प्रोग्राम होगा, वो उसी पंडाल में होगा जहाँ पर मोदी जी ने आना है। उसका ट्रायल रन भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी तैयार हैं। तो आज अम्मा के कहने पर जो शाम को बेसमेंट में सत्संग होता था, जो दर्शन होते थे, वो आज उसी पंडाल में हो रहे हैं जहां पर मोदी जी ने आना है। मोदी जी हेलीपैड के द्वारा इस हॉस्पिटल में आएंगे और ये मैं आपको हॉस्पिटल के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये पंडाल सामने जो लगा हुआ है, ये गेट नंबर 1 के साथ में है। गेट नंबर 1 से आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, आम लोगों की एंट्री जो मैंने बताई थी उस गेट नंबर 2 से ही होगी। और पार्किंग और सबके लोगों को व्यवस्थित होने का पूरा प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर। बहुत ही पुलिस, बहुत ही वॉलंटियर्स अम्मा के जो केरल से यहाँ पर आए हैं और कई दिनों से इन्होंने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और सारी व्यवस्था, सारे प्रोग्राम को बहुत ही सुरुचिपूर्ण और पूर्णते कर रहे हैं इसको। ये अम्मा हॉस्पिटल का सामने का दृश्य है और सामने ये बेसमेंट देख रहे हैं, ये बेसमेंट है और ये बेसमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ से लोग जो गेट नंबर 1 की तरफ वहाँ जाएंगे। ये अम्मा आज अपने पंडाल, जो नया पंडाल है जहाँ पर मोदी जी ने भी आना है, उस स्थान पर आ गई हैं और आज यहीं से दर्शनम प्रोग्राम शुरू होगा। और ये देखिए बहुत ही व्यवस्थित प्रोग्राम, पूरा प्रशासन बहुत ही चाक चौबंद तरीके से काम कर रहा है और अम्मा सारी फैसिलिटीज को ध्यान से देख रही हैं कि आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। लेकिन अम्मा बीच में लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं और उससे लग रहा है कि आज अम्मा को ये सारी व्यवस्था ठीक नहीं लगी। तो अभी अभी अम्मा जी ने ये निर्णय लिया कि आज का सत्संग वहीं बेसमेंट में ही होगा और सबको रिक्वेस्ट की गई है कि वो कृपया बेसमेंट में ही जाएं। ये देखिए यहाँ पर कैमरे से निगरानी का प्रोग्राम और पूरा रिकॉर्डिंग वो सब भी यहाँ रखा गया है। और अब सारे अनुयायी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और अम्मा भी अब बेसमेंट की तरफ जाएंगी। अम्मा को लगा कि आज जो यहाँ का व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है कि सत्संग ढंग से हो सके, तो ये सब लोग अब बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है सबको, लेकिन अम्मा की कृपा लेने के लिए इन सबको ये सब भी मंजूर है और बहुत ही प्यार से लोग धीरे धीरे सब बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अम्मा भी उस पंडाल से आकर बेसमेंट की तरफ आ गई हैं। ये अब अम्मा अपने स्थान पर जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पर आएंगी और अपने भक्तों को दर्शनम और सत्संग और भजन और बाद में हगिंग के द्वारा अम्मा सबके रोगों का, दुखों का निवारण करती हैं। ये मैं आपको यहाँ का एरिया दिखा रहा हूँ। ये क्या है? What is this? 11. नाम क्या है? मेरा नाम अचला है। मैं सारे प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट क्या है सारे? ये प्रोडक्ट सब हम मुंबई से बना के लेके आ रहे हैं और ये सब अम्मा जी के लिए हम जो भी हम बनाते हैं उसका सेल करते हैं हम अम्मा को, जो भी पैसे आते हैं उसमें एंटायर सेल देते हैं हम अम्मा। ये सब अम्मा को अर्पण कर देते हैं सारे पैसे। और ये ब्राउनीज तो हम बना के यहीं पे बनाते हैं, ओवन से भी लेके आए मुंबई से। अच्छा, ये यहाँ पे बनाया कि ये भी बॉम्बे से लाया? ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बॉम्बे में भी प्रोफेशनल है आपका कुछ कि नहीं? ये मेरा बिजनेस है। ये बिजनेस है आपका? वहाँ पर किस नाम से है?
वहाँ पर किस नाम से है? प्योर डेलीज। चलो ठीक है, YouTube पे आपको डालेंगे तो आप उसका नाम डालेंगे, उसको मुझे भेज दें। थैंक यू। ओके, we have lemonade which costs 60 rupees, we have raw sandwiches which is a 40 rupees, and we have toasted sandwiches which is a 45. This you have prepared yourself? This you students have prepared yourself? Yeah, brahmacharinis were also there and students were also there preparing these songs. Oh. So, we made it into juice stall and we packed it up and bring it over here. Thank you. यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जो इसी पर्पज़ से हैं, क्योंकि सारी इनकम हम जी को ये अर्पण कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सत्संग चल रहा है और सारे अनुयायी बड़े ध्यान से यहाँ दर्शनम कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके बाद में भजन और उसके बाद में आरती और फिर अम्मा का सबका दुखों का निवारण करने के लिए अम्मा सभी अनुयायियों को अपने गले लगाती हैं और उनके सारे दुख दर्द अपने ऊपर लेके कर लेती हैं और दूर करती हैं। ये हॉस्पिटल का रात का बाहर का दृश्य है।